In the name of Allah Almighty, who is the most forgiving and is the most beneficent, I hope आप ठीक हैं। आज का जो आर्टिकल हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है causes and allies, असबाब और इतहादी। ये बहुत ही prominent topic है और इस आर्टिकल का जो पस मंजर है वो पाकिस्तान के अंदर एक्टिविज्म है। उससे पहले मैं author का introduction आपसे कराता चलूँ। ये आर्टिकल लिखा है आफिया जिया साहिबा ने, जो एक जानी मानी फेमिनिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये रेडिकल फेमिनिस्ट नहीं हैं। इनके मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं और जो आर्टिकल ये जिन टॉपिक्स के ऊपर लिखती हैं वो वुमेन राइट्स के ऊपर हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म है, किस तरीके से चीज़ों को समझा जाए, कैसे वुमेन पाकिस्तान के अंदर ओप्रेस्ड है। बाकी इनकी आइडियोलॉजी किसी भी तरीके से एंटी में नहीं है। जनरली पर्सपेक्टिव के अंदर जो हकीकतें हैं उनको ये आथर बयान करती हैं। अब इस आर्टिकल का जो थीम है वो असल में एक्टिविज्म है, जो सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव है लेकिन वो सही मानों में काम नहीं करता और वो अगेंस्ट वेमेन काम करता है। तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इसमें जो मेजर चीज़ें हैं, मेजर सेंटेंसेस हैं, उनको मैंने अंडरलाइन करके रखा है। बाकी जो माइनर सेंटेंसेज हैं वो आप खुद ही बासानी पढ़ सकते हैं। बाकी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको मैं खुद ही यहाँ पर एक्सप्लेन करता जाऊँगा। मुख्तारा माई, मलाला यूसुफजई एंड मीशा शफी आर ऑल सर्वाइवर्स बट ऑल्सो सब्जेक्ट्स ऑफ द रीड आउट्स ऑफ मिलिट्री मुल्लाज एंड मैन। ओपनिंग लाइन में तीन करेक्टर्स का नाम है मुख्तारा माई, मलाला यूसुफजई एंड मीशा शफी। ये तीनों विक्टिम्स हैं और इन्होंने सर्वाइव किया है जो उन पर डिफरेंट अटैक्स किए गए। दो पर्सनैलिटीज हैं इनमें, मुख्तारा माई और मीशा शफी। मुख्तारा माई का तो बड़ी बेदर्दी से रेप हुआ था, गैंग रेप हुआ था, उसका वो केस आज तक लड़ रही हैं। और मलाला यूसुफजई के बारे में आप जानते हैं कि तालिबान ने उनके ऊपर अटैक किया था और वो सरवाइव कर गई थी और फिर शी बिकेम हीरो। अब ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, सब्जेक्ट्स ऑफ रीड आउट्स ऑफ मिलिट्री मुल्लाज एंड मैन, रीड आउट का मकसद है फोर्टिफिकेशन। मतलब इन तीन शख्सियात के साथ जुल्म हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविज्म है वहां पे मिलिट्री, मतलब कुछ सिलेक्टेड बंदों की बात की है, जैसे जनरल परवेज मुशरफ को वो कोट करती हैं और जो मुल्लाज हैं, और उसके बाद जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ मैन हैं उन्होंने बजाय जो उनको सहारा दें, बजाय जो उनको सपोर्ट करें इस स्ट्रगल में, वो उनके अगेंस्ट गए, उनके अगेंस्ट उन्होंने एक फोर्टिफिकेशन बना ली एक्टिविज्म के अंदर। मुख्तारा's रेप वॉज डिसक्रेडिटेड बाय जनरल मुशरफ इज अ केस ऑफ वेमेन प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। जनरल मुशरफ ने तो बड़ी आसानी से इस केस की नेचर को ही गलत बताया। उन्होंने कहा कि मुख्तारा माई का जो रेप केस है वो असल में शी इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड, दुनिया के सामने वो कह रही हैं कि मैं विक्टिम हूं और असल में इसमें कोई हकीकत नहीं है। बिना इन्वेस्टिगेशन के इतना बड़ा वाकया हो गया और इतने बड़े हुक्मरान ने इतना अनसीरियस स्टेटमेंट दे दिया। मलाला वॉज रिजेंटेड फॉर सर्वाइविंग एन असैसिनेशन अटेम्प्टेड बाय तालिबान एंड फॉर बीइंग सेलिब्रेटेड इन द वेस्ट। मलाला यूसुफजई के साथ क्या हुआ कि उनके ऊपर जब हमला हुआ वो एक बहुत बड़े हमले से बच गई, तो लोगों ने उसको रिकग्नाइज ही नहीं किया, असल में उसको इंसल्ट समझा व्हेन शी वाज सेव्ड फ्रॉम द तालिबान। मीशा इज बीग्रस्ट फॉर शेटरिंग द मिथ ऑफ हरासमेंट बाय अशरफिया और सेलिब्रिटीज इन इनकंसिवेबल। और मीशा शफी ने जब दुनिया के सामने आके कहा कि मुझे सेक्सुअली हरास किया गया है, तो बजाय उसको सपोर्ट करने के लिए या कॉमनली मॉरल सपोर्ट देने के लिए उसको बिग्रस्ट, जो वर्ड है इसकी मीनिंग है इनवी, जेलेसी, तो एक प्रोफेशनल जेलेसी और कॉमनली करियर जेलेसी की वजह से उसको अपोजिशन का सामना करना पड़ा और उसको हरास किया गया, जो एक मिथ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है हमारी सोसाइटी में कि औरत को अगर सेक्सुअली हरास किया जाए तो वो खामोश रहे। इसके बाद है इफ वेमेन्स एक्सपीरियंसेस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट वर पार्ट ऑफ द सेंसस एंड फाइंडिंग्स वुड लीड टू द डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर पाकिस्तान के अंदर जो औरतों का सेक्सुअल हरासमेंट का एक्सपीरियंस है उनको सेंसस के अंदर शामिल किया जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल लेवल की इमरजेंसी लग सकती है। इतने बड़े केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक्टिविज्म अगेंस्ट हरासमेंट इज चैलेंज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, द रोल ऑफ क्लास, यूज ऑफ सोशल मीडिया एंड मेल एलाइज। एक्टिविज्म पाकिस्तान के अंदर जो है
खास करके इस तरह का जो हरासमेंट के वाकयात होते हैं उसमें इंटरनल फैक्टर्स हैं। यहाँ पे क्लास का रोल बहुत है, मतलब जो तबकाती सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, सबसे पहला हर्डल वो है। सेकंड नंबर पे यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जैसे ट्विटर पे या फिर सोशल मीडिया के और प्लेटफॉर्म्स पे औरतों की मुखालफत की जाती है। और उसके अलावा मेल एलाइज अगर किसी के खिलाफ है तो उसके साथी उस औरत के पीछे ही पड़ जाएंगे। सेलिब्रिटी एक्टिविज्म इज अ मिसनोमर इन पाकिस्तान। अब मिसनोमर वर्ड की मीनिंग है किसी भी वर्ड चीज को या फिर किसी भी सब्जेक्ट को रॉन्गली बयान करना, रॉन्गली बताना। तो सेलिब्रिटी एक्टिविज्म पाकिस्तान के अंदर एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब जो असल में वो है नहीं। एक्टिविज्म के नाम पे यहाँ पे मेल डोमिनेंसी के थ्रू लोगों को नीचे किया जाता है, उनको नीचा दिखाया जाता है, उनकी इंसल्ट की जाती है। मी टू एक्सपोज टू प्रैक्टिकल सेक्सुअल कोरिजन बाय मीडिया मंगोल्स हु कंट्रोल वेमेन्स करियर्स और सक्सेस एंड रिवील हाउ क्लास एंड पावर ऑफ द प्रीपेटर आर ड्राइवर्स ऑफ सेक्स क्राइम्स। मी टू मूवमेंट में ये बात जाहिर हुई कि जैसे बड़े बड़े मीडिया के मालकान हैं या मीडिया की सेलिब्रिटीज हैं, वो कैसे औरतों के करियर को और उनकी कामयाबी को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पावर के थ्रू। अब यहाँ पे एक वर्ड है प्रीपेटर, और यहाँ पे मंगोल भी है। मंगोल या मोगल कहते हैं वो आदमी जो वैशी हो, और प्रीपेटर कहते हैं शिकारी। औरतों के पीछे जो लोग लगते हैं वो कैसे उनका शिकार करते हैं, तो मी टू मूवमेंट ने ये सारे जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज कर दी हैं। Moreover, it is only possible to get justice for the offense of harassment in the formal workplace. The exclusion of students and contractual, informal or domestic workers from the protection against harassment is not technically its travesty. एक ही तरीका है इंसाफ पाने का, जो फॉर्मल वर्कप्लेस है वहां से इंसाफ पाया जा सकता है। और आगे उन्होंने कहा, the exclusion of students and contractual, informal or domestic workers from the protection against harassment is not technically it's a travesty. जब स्टूडेंट्स को या फिर वर्कर्स को बाहर निकाला जाता है इस इल्जाम में कि वो सेक्सुअल हरासमेंट में मुलविस हैं, तो ये टेक्निकली रॉन्ग नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ा धोखा है। मतलब अगर कोई भी मी टू मूवमेंट में आ गया, उसने कहा कि मेरे साथ किसी ने मुझे सेक्सुअली हरास करने की कोशिश की है, तो फिर उसी को बाहर निकाला जाता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है हमारी वर्क प्लेसेस में, फॉर्मली ये बात एग्जिस्ट करती है। उसके आगे है, मीशास हरासमेंट एलिगेशंस आर सच अबाउट रिकग्नाइजिंग वेमेन्स लेबर, सेटिंग ज्यूरिसडिक्शन फॉर इट्स राइट्स एंड प्रोटेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग वेमेन्स प्रोफेशनल स्टेटस एंड रेस्पेक्टिंग इट। मीशा शफी के जो हरासमेंट के एलिगेशंस हैं, वो असल में एक औरत की मेहनत, उसकी जो अपनी ज्यूरिसडिक्शन है, उसके हुकूक की, उसकी प्रोटेक्शन, उसको मजबूत बनाने के लिए, उसका जो एक प्रोफेशनल स्टेटस है और उसको इज्जत करने के लिए उसकी स्ट्रगल चल रही है। वो सिर्फ उसकी पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। टू सम एक्सटेंट शी मे स्टिल बी प्रोटेक्टेड बाय हर क्लास। ये पॉसिबल है कि मीशा शफी अपने क्लास के थ्रू प्रोटेक्ट की जा रही है, बट फॉर द हंड्रेड्स हु आर सफरिंग साइलेंटली आउट ऑफ फियर और टू सेव देयर करियर्स द केस इज क्रिटिकल। लेकिन वो जो गरीब हैं, जो इस क्लास के नहीं हैं, वो कितने लोग होंगे जो चुप करके इन बातों को बर्दाश्त करते हैं। ऑनलाइन सपोर्ट में डिबंग अनसबस्टेंशिएटेड क्लेम्स अबाउट केसेस बाय लीगल एंड पीआर टीम्स, बट दिस इज इनएडिक्वेट। सोशल मीडिया पे किसी को कितनी ही मुनज़िम तहरीक क्यों ना सपोर्ट करे, लेकिन इन एविडेंसेस को लॉ के थ्रू सपोर्ट नहीं मिलती। अब यहाँ पे आगे है, एक और लाइन है, सेकेंडली सेलिब्रिटी एक्टिविज्म इज अ मिसनोमर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर सेलिब्रिटी एक्टिविज्म कोई हकीकत पे मबनी नहीं है, लेकिन जो तीन चीज़ें राइटर ने, ऑथर ने ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग पैराग्राफ में कही थी कि यहाँ पे मेल डोमिनेंसी है और उसके अलावा क्लास सिस्टम है, दूसरे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे एक्टिविज्म सही काम नहीं करता। इट हैज़ एनेबल्ड स्टार्स टू ग्रेजुएट फ्रॉम वेल इंटेंशन डोनर्स और स्क्रिप्टेड स्पोक पर्सन फॉर चैरिटेबल काजेस to initiated activists, this wins
them social capital and even national awards, but if celebrities go off script, they risk being cancelled and discredit the sponsored cause. पाकिस्तान के अंदर जो सेलिब्रिटी एक्टिविज्म है उसके अंदर लोगों को सपोर्ट किया जाता है, बड़ी बड़ी जो शख्सियात हैं उनको सपोर्ट किया जाता है क्योंकि उनको फंडिंग करने वाले लोग मौजूद हैं, ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है जो उनके थ्रू अपनी ब्रांडिंग करती हैं, तो वो उनको एक वेल स्क्रिप्ट तरीके से सोशल मीडिया के अंदर डिफेंड भी करने आती हैं। उसके आगे है, ओपिनियन बेस्ड एक्टिविज्म इज ऑफन सेलेक्टिव, सेल्फ कंट्राडिक्ट्री एंड ऑफर्स लिटिल स्ट्रेटेजिक वर्थ। अब यहाँ पे उन्होंने जो एक्टिविज्म के पार्ट्स हैं, काइंड्स हैं, वो बयान किया है। उसमें एक है, ओपिनियन बेस्ड एक्टिविज्म इज ऑफन सेलेक्टिव। कोई भी आदमी अगर किसी के बारे में अपना ओपिनियन देता है तो वो उसकी पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के ऊपर बेस्ड होता है, सेल्फ कंट्राडिक्ट्री होता है, उसके बाद उसमें कोई इतनी स्ट्रेटेजिक वर्थ नहीं होती, असल हकीकत क्या है वो ओपिनियन में पता नहीं लगती। उसके बाद है, सिलेक्टिव डी प्लेटफॉर्मिंग ऑफ सम ऑथर्स पॉलिटिशियंस ऑपोजिशन टू फ्री स्पीच राइट फॉर डिसएग्रीबल लीडर्स एंड कैंसिलेशन ऑफ ओनली सम एलिज्ड हैरासर्स हैज अंडरमाइंड प्रिंसिपल्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्टिविज्म। उसके बाद क्या है कि थोड़े ही सिलेक्टिव लोगों को टारगेट किया जाता है और फ्री स्पीच के राइट के हवाले से थोड़े से लोग हैं उनके हवाले से बात की जाती है, जो हिरासर्स हैं उनको पकड़ा जाता है, बाकी बड़े पैमाने पे जिस तरीके से जस्टिस सर्व हो इस तरह की कोई यहाँ पे बात मौजूद नहीं है। फाइनली द ड्यूबियस रोल ऑफ अपॉर्चुनिस्ट मेल एलाइज ऑफ आवर फेमिनिस्ट काजेस इज नॉट न्यू। Finally, the dubious role of opportunist male allies of feminist causes is not new. Many from the old boys legal community placed moral but not legal support for Misha's case. Saqib Jilani and Khwaja Ahmed Hussain are exceptions to be respected. ये कोई नई बात यहाँ पे नहीं है जो feminists अपने आप को कहते हैं और फिर औरत के against में काम करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया मोरली मीशा शफी को, लेकिन प्रैक्टिकली और लीगली कोई भी मीशा शफी के साथ नहीं आया, सिर्फ साकिब जिलानी एंड ख्वाजा अहमद हुसैन के अलावा। तो उनको हम उनकी इज्जत करते हैं कि वो आगे आए। और इसमें कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, अब यहाँ पे है, इवन मैन आर फोर्टिफाइड विद जेंडर प्रिविलेज एंड एक्सेस सो मैनी फेमिनिस्ट इश्यूज, some women still feel compelled to either defend men as victims or rely on them as online accomplices. अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी में मर्दों को एक बहुत बड़ा फायदा है, वो पहले ही फोर्टिफाइड है, अगर किसी भी मर्द के ऊपर इल्जाम लगता है तो औरत के किरदार के ऊपर सवाल उठाया जाता है। इसके अलावा औरत को मजबूर किया जाता है कि वो आदमी को सपोर्ट करे, अगर वो आदमी को सपोर्ट नहीं करेगी तो यकीनन उसके लिए बहुत ही मुश्किल पैदा हो जाएगी, और आदमी को एज विक्टिम सपोर्ट करे, और फिर मतलब उसको ये आइडिया दिया जाता है, ये तासुर दिया जाता है कि उसको मर्द की सपोर्ट करनी होगी। लुकिंग फॉर वर्क क्रेडेंशियल्स दीज मेल एलाई स्नीक इनटू अपोजिंग फेमिनिस्ट मेंशंस फ्रॉम बिहाइंड दिस स्मोक स्क्रीन कॉम्पिटेटिव पर्सनलाइज्ड टेक डाउन ऑफ फॉट अक्रॉस कैंप्स with no interest in substance or building manifestos or resolving contradictory strategies. और पर्दे के पीछे एक और तबका है जो मर्द को सपोर्ट करता रहता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है जो भी औरतों के खिलाफ जो जो बातें होती हैं, जिस तरीके से वर्ड्स यूज होते हैं और खास करके एडवर्टाइजमेंट में या फिर मैनीफेस्टोज में जो चीज़ें छपती हैं उनके ऊपर बात करने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ उस वक्त आगे आते हैं, एक हरासमेंट का केस चल रहा होता है तो वो फेमिनिस्ट मर्द को सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं, असल में वो मर्दों का ही जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है, उसको सपोर्ट करने के लिए हैं, वो रियल फेमिनिस्ट नहीं है। और जो पेट्रियार्कल सेटिंग्स हैं हमारे मुआशरे में वो उसको एक्सटेंड करने के लिए हैं, तो इन फेमिनिस्ट से बचना चाहिए। अब इस पूरे आर्टिकल में हमने पढ़ा कि एक्टिविज्म की बात की गई थी और एक्टिविज्म जो औरतों के खिलाफ है, जो लोग अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं लेकिन इतने बड़े पैमाने पे परफॉर्मेंस भी नहीं करते, और असल में वो पेट्रियार्की की जो सेटिंग्स हैं, जो माइंडसेट है, उसको सर्व करने के लिए हैं। तो सारी बातें एक्टिविज्म की जो पाकिस्तान के अंदर हैं वो अफिया ज़िया साहिबा ने हमें बता दी। तो ये बहुत ही टफ आर्टिकल था, बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें थे, बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशंस थे,
ये लैंग्वेज इंटरनेशनल मैगजीन में छपने जैसी है। तो आई होप आपने जस्ट इसका समझ लिया होगा और जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे उसको भी आपने समझ लिया होगा। सो थैंक यू सो मच।